बच्चों ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स का जो ये पूरे देश भर में खेल चल रहा है ये चल ही रहा है, लेकिन इस बीच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपडेट आया है महाराष्ट्र से। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर एक स्कूल से एक दो तीन नहीं टोटल 327 स्टूडेंट्स 327 स्टूडेंट्स जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं एक हॉस्टल में। इट्स अ बिग नंबर, कैन यू इमेजिन 327 स्टूडेंट्स टीचिंग स्टाफ मिला करके 327 स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा अपडेट है गाइज, बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे आप नहीं जीत सकते, दिस इज कंफर्म। स्वागत है आप सभी का बच्चों आपके अपने चैनल पे, मैं हूं आपका विशाल सर विशाल कुमार जायसवाल। अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @विशालआर्यव और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ में स्टडी विथ विशाल सर। ठीक है, तो अब मैं आपको अपडेट दे दूं, यहां सारा खेल चल रहा है अभी ऑनलाइन ऑफलाइन का, और कल काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स निकल करके आए तमिलनाडु से, दिल्ली से और झारखंड से भी, जहां पे तमिलनाडु ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया, जनरल प्रमोशन दे दिया क्लास 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स को, सिर्फ वहां पे क्लास 12 के एग्जाम्स होंगे। दिल्ली ने भी काफी अच्छा स्टेप उठाया है, झारखंड ने ऑनलाइन एग्जाम्स को सपोर्ट किया है, काफी कुछ चीजें निकल करके आई है, लेकिन पता नहीं कई स्टेट्स जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ में सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है ये पूरे देश में फैल रहा है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, उसके बावजूद भी किस बात का इंतजार है हमें नहीं पता। अभी मैं आपको बता दूं, एक सिंगल हॉस्टल से टोटल, आप ध्यान देना, 327 जो मैंने कहा है वो है, लेकिन देखो वो 327 पहुंचा कैसे, 229 केसेस जो है एक सिंगल हॉस्टल से, एक स्कूल के हॉस्टल से निकले हैं। ठीक है, और ये मामला है वाशिम डिस्ट्रिक्ट का ऑफ द स्टेट, महाराष्ट्र राज्य के वाशिम डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है। ठीक है, और अब ये जो स्कूल है, अब ये स्कूल हॉस्टल नहीं हो करके, हॉस्टल से निकले ना, तो ये अब हॉस्टल नहीं हो करके अब इसको बना दिया गया है कंटेनमेंट जोन। यही इच्छा थी, सब यही चाहते थे। स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12, मुझे पता है कि आपको ढेरों कंफ्यूजन होंगे अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, लेकिन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अ न्यू फीचर आस्क ए डाउट, उसको यूज कीजिए और इंस्टेंट आंसर पाइए, जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेरीज हैं आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा 24/7, यानी कि आप किसी भी वक्त अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डेमो करके बताता हूं कि आप किस तरह से ये फीचर को यूज कर पाएंगे। तो बच्चों इस यूनिक फीचर आस्क ए डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले करना होगा आपको डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी ऐप को, उसके बाद कीजिए सेलेक्ट गोल, देन सेलेक्ट क्लास, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है, देन स्क्रॉल टू आस्क ए डाउट फीचर, उसके बाद एंटर कीजिए मेरे कोड विशाल KR को, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ लीजिए एक पिक्चर उस क्वेश्चन को जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, या आप इसे चुन सकते हैं गैलरी से, क्रॉप कीजिए इस क्वेश्चन को और अपलोड या कीजिए सबमिट, और बस एक लास्ट स्टेप, कीजिए सेलेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फाइनली गेट द सॉल्यूशन इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मिलेगा आंसर। और ये है आपका यूनिक फीचर अनअकैडमी आस्क ए डाउट, तो जरूर इसे यूज कीजिए। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अरे यार, वैसे भी मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, नासिक, विदर्भ, ये सब में तो हाहाकार तो मचे हुआ है। आई डोंट नो व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज, आई जस्ट कांट इमेजिन, क्या चीज का इंतजार हो रहा है यार। अरे आप तमिलनाडु से सबक ले लो, झारखंड से सबक ले लो, बच्चों को एक पल के लिए रिलीफ दे सकते हो आप। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है आपने 25, महाराष्ट्र बोर्ड की अगर हम बात करें तो 25% सिलेबस रिडक्शन हुआ है, लेकिन क्या वो काफी है? इज इट फेयर एनफ विद स्टूडेंट्स? किस तरह के क्लासेस हुए थे अगर हम देखें तो उसी से समझ में आ जाएगा कि मामला क्या था। लेकिन मैं आपको अभी और बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे 225 जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए उसमें 225 स्टूडेंट्स हैं और 4 टीचर्स हैं। मामला देखिए क्या है, मैं आपको और बताता हूं। अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये 327 स्टूडेंट्स टोटल जो है, ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट्स किन इलाकों के स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं, अमरावती, हिंगोली, नंदेद, वासिम, बुल्धाना एंड अंकोला। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी को वाशिम का जो ये हॉस्टल है बच्चों का, यहां पे बच्चों ने मतलब स्कूल में हॉस्टल में ये लोग आए थे, जबकि उस समय भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती थी। ठीक है, लेकिन उसी समय जब हुआ तो अराउंड 21 बच्चे जो है शुरू में पॉजिटिव टेस्ट पाए गए, और उसके बाद में जब RT-PCR टेस्ट जब कंडक्ट कराया गया तो टोटल 327 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाहता हूं कि
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, सीधी बात है, और ये सिर्फ मैं महाराष्ट्र बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं लगभग सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए कह रहा हूं कि भाई बच्चों को इस वक्त हमारी जरूरत है। मैंने पहले भी बात उठाया है, कल लाइव सेशन डेढ़ घंटा से ऊपर थे हम, उस वक्त भी मैंने बात उठाया था, और कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, और जवाब बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए, और साथ साथ में जब आप जवाब दोगे तो एक बटन शेयर का भी करना, ताकि ज्यादा लोग शेयर करें और ज्यादा लोग कमेंट करें, ताकि सब तक ये जो बात है वो पहुंचे। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या आप एग्जाम से डरते हो? बताओ आप कंसर्निंग बॉडीज को, अथॉरिटीज को, अपने बोर्ड्स को कि भैया आप हर सेशन में ना आराम से कई एग्जाम्स फेस करते हो, कितने ही वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट होता है, एनुअल एग्जाम्स होता है, कब किस बच्चे ने कहा है कि भैया मुझे एग्जाम नहीं देना, आई डोंट वॉन्ट टू गिव, और कब किस पेरेंट ने उसको सपोर्ट किया है? मुझे नहीं याद पड़ता, चाहे वो मेरा समय हो, मेरा समय छोड़ो, किसी स्टूडेंट आज से 5 साल पहले 7 साल पहले 8 साल पहले 10 साल पहले कभी किसी स्टूडेंट ने कहा था कि भाई आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव द एग्जामिनेशन? अरे किसी को अगर मेडिकल भी होता था ना, कुछ जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए भी उपाय निकाला जाता था। लेकिन अभी सिनारियो दूसरा है, 10 महीना 11 महीना जो क्लासेस चला उसका स्थिति बहुत गड़बड़ है। आप बच्चों से पूछो, अगर आपको किसी का तकलीफ जानना है तो आपको पड़ोसी से नहीं पूछना चाहिए, जिस आदमी को तकलीफ है उससे पूछो ना, तो स्टूडेंट से पूछो। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ बेटा, लिखो क्या आप एग्जाम से डरते हो, नहीं डरते हो लिखो, नहीं डरते लेकिन सिचुएशन गड़बड़ है ये भी लिखो। जब तक आप लोग मेंशन नहीं करोगे बेटा, बच्चों ये बात सही लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वर्षा गायकवाड़ मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं, उदय सामंत जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई महाराष्ट्र में तो सीधा सीधा जनरल प्रमोशन का केस बनता है, आप लोग प्लीज इसमें एक्शन ले सकते हैं। लाखों बच्चे जो है ना, उन सब का सपोर्ट, उनके माता पिता का सपोर्ट सबको आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि हमें मेरे ख्याल से देना चाहिए। तो ये बहुत शॉकिंग अपडेट है। मेरे पास जब ये शॉकिंग अपडेट पहुंचा तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि एक दो, अच्छा किस बेसिस पे बच्चे स्कूल भेजेंगे, कभी कोई सोचता है? एक केस किसी स्कूल में निकल जाए तो पूरा स्कूल हिल जाता है, स्कूल छोड़िए ना भाई, आपके मोहल्ले में निकल जाए तो आपका मोहल्ला को तुरंत सील कर दिया जाता है। तो सोचो, आप सभी सोचो कि अगर इतना बड़ा संख्या 327 स्टूडेंट्स निकले, तो अगल बगल के आसपास के इलाकों में भी कि क्या कोई पेरेंट्स दोबारा अपने बच्चे को भेजने का कोशिश करेगा स्कूल? तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि ऑनलाइन क्लासेस को अभी और कंटिन्यू किया जाए, उसको बल्कि और स्ट्रांग किया जाए, और साथ ही साथ जनरल प्रमोशन दिया जाए। कम से कम 9, 10, 11 तो कहीं नहीं जा सकता जैसे कि तमिलनाडु ने किया, 12th वाला केस मैं थोड़ा सा मान सकता हूं, लेकिन उनके लिए भी इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क्स की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत अलग ढंग से उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर सीबीएसई की बात करें 30% सिलेबस रिडक्शन, लेकिन क्या वो काफी है? बच्चों को क्लासेस सही रूप से मिला? बहुत सारी चीजें जिसपे हमें जवाब देना चाहिए और जवाब देना ही चाहिए। मेरे हिसाब से सपोर्ट आपको करना है, हम आपकी आवाज बन सकते हैं और बन रहे हैं। लगातार पिछले एक महीना में हमने बहुत बड़ी संख्या में, मैंने और हमारी टीम ने स्कूलों को फोन किया है, मेल्स किए हैं, सही तरीके में विथ फुल डिग्निटी विथ फुल रेस्पेक्ट सभी स्कूलों से हमने कॉन्टेक्ट किया और काफी जगहों पर हमें सफलता मिली है। आप लोगों को और सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में, तब तक आप लोग जुड़ोगे, सपोर्ट करोगे, फॉलो करोगे, तभी आप जाके कुछ होगा। तो सही वीडियोस को, सही चीजों को, सही लोगों को आप सपोर्ट कीजिए ताकि बात सही जगह तक पहुंचे। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, ये मैं आप लोगों सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के ऊपर छोड़ता हूं। सो प्लीज आप हमें जिस भी सोशल मीडिया पर हैं आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, सो प्लीज गो फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर। जय हिंद, जय भारत।